के बढ़ते अपराध पर सीएम ने नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर सीएम ने बीते दिनों ही सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर और बढ़ाएं। साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अभियोजन पदाधिकारी और संबद्ध वकील के साथ नियमित रूप से केस की समीक्षा करें और उसे अंजाम तक पहुंचाएं। बता दें कि सीएम ने विधि व्यवस्था को लेकर एक पखवाड़े के अंदर बीते दिनों ही तीसरी बार समीक्षा बैठक की और साफ किया है कि अपराध नियंत्रण में तनिक भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है। एक अन्य मार्ग में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिया है कि लोक शिकायत निवारण कानून को लेकर जिलाधिकारी सजग है और इसका लाभ लोगों को मिले यह सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाएं। समीक्षा बैठक में प्रदेश मुख्यालय के अधिकारी के अलावा सभी डीएम एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखें, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि सभी के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे।